जब पेंटिंग सोच में आ जाता है तो फिर डिजाइन के बारे में सोचता हूँ कि डिजाइन के कलर कहाँ अच्छा लगेगा, और ये डिजाइन सीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी का डिजाइन है, ये मेरा सिग्नेचर है। इसी पेंटिंग को हर पेंटिंग में दर्शाता हूँ, इसी डिजाइन को। जैसे गांव में हमारे यहाँ जब तक अनाज लाने के बाद खेती खलिहान से कूट के धान अनाज निकालते हैं, फिर भोजन पकाने का काम करते हैं महिलाएं, उसके बारे में बनाया हूँ। ये लहरी के बाल हैं, ये इससे काम किया करते थे, अब कर रहे हैं। पहले हम बांस की कूची से काम किया करते थे, अब जो है गवर्नमेंट बंद कर दिया है कि किसी को नुकसान ना पहुँचते हुए अब प्लास्टिक का ब्रश निकाल दिया है, इससे अब काम कर रहे हैं। इसमें कई प्रकार के ब्रश होते हैं, 1 से 0 से लेके 10 पॉइंट तक होते हैं। पहले हम काली मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर गेरू मिट्टी, जैसे भी हो चुई मिट्टी, ये जंगल से लाया करके पकाते थे उसको। उसके बाद उसको जो गोंद निकलता था पेड़ों से ना, उसको पकाने के बाद मिलाया करते थे, और हरी पत्ती सेमे के पत्ते से बनाते हैं। फिर पकाने के बाद सबको मिक्स करने के बाद फिर अलग अलग डिब्बे में भर लिए, फिर दीवार में करते थे। उस समय किनवास सीट में नहीं किया करते थे, सिर्फ दीवार में यूज किया करते। हर साल हर त्यौहार में हर शादियों में उसका उपयोग करते थे। अब दिवाली में क्या क्या चीज होना चाहिए, हमारे गांव के रीति रिवाज के अनुसार गाय को चराने के लिए गवाल बनकर बाहर ले जाते हैं, और फिर जब तक वापस नहीं होते अपने वचन नहीं खोलते, मुंह नहीं खोलते। जैसे शादी विवाह हो गए, ये मंडप है, ये 2 लोग कलश हैं और महिलाएं हल्दियाँ चढ़ा रही हैं, लोग गांव में डांस कर रहे हैं, इस तरीके से सारे लोग देख रहे हैं, इस प्रकार ड्राइंग का रूप देता हूँ।